दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल तीन शेयर के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं HDFC के बारे में। HDFC बैंक ने आज के दिन अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूवमेंट है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले नंबर्स को जान लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं HDFC बैंक के क्वार्टर फोर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने आपके सामने ओपन कर लिए। सारे फिगर रुपीज इन लैक्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको रुपीज इन करोड़ में यहां पर नंबर्स बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में कंपनी ने 43,000 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम जनरेट करी थी, जो कि इस बार के क्वार्टर फोर में बढ़कर 57,000 करोड़ रुपीस पर पहुंच चुकी है। और अगर दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की इनकम 54,000 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़ चुकी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी की इनकम के अंदर ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफी अच्छा जम देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इंप्रूवमेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के बारे में। तो यहां पर 12th नंबर के पॉइंट के ऊपर आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जहां लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जो कि इस बार बढ़कर 12,000 करोड़ रुपीस पर पहुंच चुका है। और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी कि दिसंबर क्वार्टर की, तो वहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 12,700 करोड़ का था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। इसके चलते अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर रेशियो भी देखेंगे तो वो भी 18.84 से बढ़कर 22.58 पर पहुंच चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग पर शेयर में भी कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम कंपनी के नेट एनपीए की बात कर लें तो कंपनी के नेट एनपीए में काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का नेट एनपीए 0.3% से घटकर 0.2.7% पर आ चुका है। तो ये काफी बड़ा इंप्रूवमेंट हमें HDFC बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। नंबर ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट है। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि सोमवार के दिन मार्केट इन नंबर्स को किस प्रकार से लेता है। हालांकि HDFC बैंक के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो नो डाउट ये बैंकिंग स्टॉक्स एक बहुत ही शानदार प्राइवेटाइजेशन बैंक है, नंबर वन पोजिशंस पर हमें देखने को मिलता है। और यहां पर आप अपनी पोजिशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन टाटा पावर को लेकर एक बड़ी अपडेट जरूर हमें आते हुए देखने को मिल रही है। जहां पर आप देख सकते हैं टाटा पावर को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्कॉम की टॉप यूटिलिटीज फर्म की जो लिस्ट यहां पर पब्लिश करी गई है, उसमें टाटा पावर हमें टॉप पोजिशंस पर यानी कि रैंक करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ी खबर हमें टाटा पावर के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि टाटा पावर ने अभी तक अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट को अनाउंस नहीं किया है। तो यदि आपने टाटा पावर के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर भी आप 185 रुपीज के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर हमें 2% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से भी क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट को अनाउंस कर दिया गया है। देख सकते हैं कंपनी ने कल ही के दिन एक प्रेस रिलीज इशू करी है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो 25 अप्रैल 2023 के दिन देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है, KPIT टेक्नोलॉजी की जो बोर्ड मीटिंग से वो हमें 2 दिन चलते हुए देखने को मिलती है, यानी कि 25 अप्रैल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्टार्ट होगी, जो कि 26 अप्रैल तक हमें चलते हुए देखने को मिलेगी। तो बात आती है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे, तो KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमें 26 अप्रैल 2023 के दिन रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। अब बारे रिजल्ट के साथ साथ और क्या बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस हमें यहां पर देखने को मिलने वाले हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट तो डिक्लेयर करेगी, लेकिन साथ ही साथ फाइनल डिविडेंड को लेकर भी यहां पर अनाउंसमेंट कर सकती है। तो यह भी एक काफी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। KPIT टेक्नोलॉजी ने भी लॉन्ग टर्म में काफी शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं और यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अपनी पोजिशन को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। अगर हम IT सेक्टर कंपनी की बात करें तो IT सेक्टर कंपनियों के ऊपर अभी काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें TCS और इंफोसिस ने अपने क्वार्टर फोर की अर्निंग्स को डिक्लेयर कर दिया है। नंबर्स अंडर प्रेशर रहे हैं, जिस कारण से वहां पर गिरावट भी हमें देखने को मिल चुकी है।
अब बारी है विप्रो लिमिटेड की, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें आईटी सेक्टर में लगातार हो रही गिरावट का असर देखने को मिला। विप्रो के अंदर भी 1.3% की गिरावट देखने को मिली। विप्रो ने भी अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट को अनाउंस कर दिया है 27 अप्रैल 2023 के दिन हमें विप्रो लिमिटेड के भी क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इतने प्रेशर में रहते हुए विप्रो लिमिटेड की तरफ से क्वार्टर फोर का रिजल्ट किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। यदि आपने विप्रो के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं, और अगर आप फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो अभी के टाइम पर आप इस शेयर्स को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।